एक राजा था और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जो उसके ही साम्राज्य में रहता था और वो उसके सल्तनत का प्रमुख सलाहकार था। राजा जो भी काम करते थे वो अपने दोस्त की सलाह लिए बिना नहीं करते थे। एक बार उसके सलाहकार मित्र राजा को तोहफे में कुछ दिया। वह तोहफा राजा के जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण तोहफा था। उसने राजा को तोहफे में दो बाज दिए। राजा वह तोहफा पाकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को थैंक यू बोला। वह बाज बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा ने अपने दोस्त से पूछा, अपने साम्राज्य में अच्छा ट्रेनर कौन है जो इन बाजों को उड़ना सिखाए, कलाबाजियां सिखाए, युद्ध नीतियां सिखाए। दोस्त सलाहकार ने कहा, अपने दरबार में अब्दुल नाम का बहुत अच्छा ट्रेनर जो अपने राज्य के बहुत पशु पक्षियों को अब तक ट्रेन कर चुका है। राजा ने अब्दुल को दोनों बाज हैंडओवर कर दिया। अब्दुल ने कहा कि ये दोनों बाज बहुत अच्छी नस्ल के हैं। राजा ने कहा, तुम इन्हें उड़ना सिखाओ, कलाबाजियां सिखाओ, युद्ध नीतियां सिखाओ, फिर मेरे पास लेकर आना। अब्दुल ने उन बाजों पर 4-5 महीने तक बहुत काम किया और फिर दरबार में आया। उसने राजा को बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा, राजा जी, एक बाज तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, अच्छी कलाबाजियां भी कर रहा है, जो सिखाता हूँ वो सीखता है, लेकिन एक बाज उड़ता ही नहीं। राजा ने कहा, कुछ और प्रयास करो। अब्दुल ने कहा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया महाराज। राजा ने कहा, किसी और को बुलाओ जो इन बाजों से बात कर सके। उनसे पूछे, तुझे तकलीफ क्या है, एक उड़ रहा है, तुझे क्या हुआ। अब्दुल ने कहा, ट्राई करता हूँ महाराज। कुछ दिन बाद अब्दुल को एक आदमी मिला जो उसके ही साम्राज्य का था। अब्दुल ने उनसे सारी प्रॉब्लम बताई। वह आदमी ने कहा, इतनी सी बात, मैं इसे तो उड़ा दूंगा। अब्दुल ने उन बाजों को उस आदमी को दे दिए। 2 दिन बाद राजा उन बाजों को देखने के लिए आया तो वह शानदार उड़ रहे थे। राजा ने पूछा, कैसे किया तुमने यह काम। उस आदमी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो जिस शाखा पर यह बैठा था मैंने उस शाखा को ही काट दिया, अपने आप उड़ने लगा। मैं भी यही चाहता हूँ दोस्त, आप किस कंफर्ट जोन में और किस शाखा पर बैठे हो, उस शाखा को काटा जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।